टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की जिंदगी में। सो गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, आपकी जिंदगी में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा क्रिएट होने वाला है, आज हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। सो गाइस, ये नेक्स्ट चैप्टर आपका हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर होगा क्या, कैसे क्रिएट होगा और क्या आपको मिलेगा और आपकी क्या एनर्जीज होंगी एंड द फिफ्थ पॉइंट आपके लिए गाइडेंस। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे कुछ जोडियक्स यानी कि कुछ राशियाँ। अब आपने क्या करना है, अपनी नाम राशि को पिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि होता है ना, बहुत बार नक्षत्र के हिसाब से राशि कुछ और होती है, जन्म के हिसाब से राशि कुछ और होती है, नाम के हिसाब से कुछ और होती है, गुणों के हिसाब से कुछ और होती है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी नाम राशि को पिक करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों की नाम राशि है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, यानी कि आप लोगों का नेम जोडियक है लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसेस, तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा झटाक से। अगर आप लोगों की नाम राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, मकर या फिर एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। ओके, सो मैंने यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में जो है लिखा हुआ है, आप पिक कर सकते हैं और आराम से अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट में मुझे अपना प्यार देना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं कैसे भूल सकती हूँ आप लोगों को अपडेट करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे समझ जाएगा अगर आपको 111 नाम से, जिसमें DP भी वही लग रही है, आपको मेरी अगर फोटो वगैरह भी वहाँ पे कुछ दिख रही है कर रही है, तो समझ जाएगा कि ये कोई फ्रॉड है। सामने से मैं कभी भी आपको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी, मैसेज नहीं करूँगी। अगर आपको सामने से कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, कोई मैसेज आ रहा है आपके पास और वो आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश करें कि हाँ वही प्रियंका है, तो समझ जाइएगा कि वो मैं नहीं हूँ। आप उसे ऑडियो मांगिएगा, ठीक है, समझ जाइएगा कि ये कोई फ्रॉड है। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग माय ब्यूटीफुल पीपल, हमेशा याद रखें कि किसी से भी कोई भी सर्विस लेने से पहले अच्छे से एक बार ही चेक कर लें कि ये वही पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं है, क्योंकि आजकल फ्रॉड लोग इतने हो गए ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो सही इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के चेक इन कर सकते हैं और वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग विद द पाइल नंबर 1 पीपल। Hi to all my beautiful pile number 1 people. I hope आप सभी लोग ठीक हो। So अगर आप लोगों के zodiac name Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Aquarius, Pisces है, या फिर अगर आप लोगों की नाम राशि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, यानी कि आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का वो क्या होने वाला है एग्जैक्टली। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है आप लोगों के लिए गाइस कि आप लोगों का जो एनर्जेटिक अलाइनमेंट है या भगवान की तरफ से जो आपको अभी सेंशन हुआ है वो क्या है, वो प्यार की तरफ से कुछ है या आपकी हेल्थ की तरफ से कुछ है या फिर आपके करियर की तरफ से कुछ है, ठीक है। तो मैं एक एक कार्ड जो है निकालूंगी फॉर करियर, लव, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, फिर हमें पता लग जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कहाँ से होने वाला है। और इस कार्ड को मैंने यहाँ रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। सो फॉर द पाइल नंबर 1, लियो, वर्गो, लीब्रास, एक्वेरियस, स्कॉर्पियंस एंड पाइसेस, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, लव, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी। लव एंड करियर, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है लव और करियर दोनों से रिलेटेड। लव को लेकर के आया है लवर्स का कार्ड
और करियर को लेकर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों ही मेजर अरकानाज हैं। एंड आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पता ही होगा कि मेजर अरकानाज की जो एनर्जी होती है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी होती है, यानी कि लंबे अरसे तक चलने वाली, और दोनों ही मेजर हैं यहाँ पर और दोनों ही मेजर पॉइंट्स के लिए आए हैं। आई मस्ट से सीरियसली मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ओके चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। सो अब जब हमें ये चीज़ पता लग गई है कि आपके लव और करियर में से नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है आपकी ज़िंदगी का, जो कि शुरू होने वाला है, देखते हैं वो होने क्या वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लव के जो है कार्ड्स निकालूंगी, पाइल नंबर। टू पीपल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओहो, स्पिरिट्स कुछ ज़्यादा ही उतावली हो जाती, मुझे ये चीज़ फील होती कभी कभार कि मतलब अब देखो ना, आप जितने भी डिवाइन स्पिरिट्स हैं, जितने भी मतलब यूनिवर्सल लोग हैं, है ना, जो कि 3D में नहीं रहते हैं, और जितने भी आपके हेल्पर्स हैं कुल मिला के, वो सबके सब आपसे इतना प्यार करते हैं। फाइल नंबर वन पीपल, हम सबसे इतना प्यार करते हैं कि कभी भी ना तुरंत से मतलब खुश हो जाते हैं जो भी अच्छा आने वाला होता है। सो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सेकंड कार्ड है यहाँ पर द चैरियट। तीसरा कार्ड है यहाँ पर द सन, और वन मोर कार्ड यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड आए हैं आपके लव के लिए, ठीक है। आई होप दीज कार्ड्स आर विजिबल टू यू। नेक्स्ट हम निकालते हैं फॉर योर करियर, नाइन ऑफ वॉन्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, ये आपकी आई है पाइल नंबर वन पीपल। आप लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रखे हैं अभी, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर कोडिपेंडेंट भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाइल नंबर वन पीपल कन्फ्यूज भी हैं। और हाँ, सबसे बेकार बात, अपना कंपेरिजन लोगों से भी करते हैं। आई हाय, वो इतनी गोरी है, मैं क्यों नहीं हूँ? उसकी हाइट इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है? यार वो कितना सारा पैसा कमाती है, मैं क्यों नहीं? वो कितना ट्रैवल करती है, मैं क्यों नहीं? यार उसका पार्टनर कितना लविंग है, मेरा क्यों नहीं? और भी बहुत कुछ जिसकी लंबी लिस्ट है। सो कंपैरिजन किल्स यू, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अगर आप किसी से अपना कंपैरिजन करते रहोगे ना कि आपके पास ये चीज़ अच्छी नहीं है, उसके पास वो चीज़ अच्छी है, अगर आप ऐसा कंपैरिजन करते रहोगे तो पाइल नंबर वन पीपल एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतना कुड़ जाओगे अंदर ही अंदर, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतना कि ना खाया हुआ अन्न काम आएगा, ना आप कुछ अच्छा पहन लोगे तो भी आप संतुष्ट महसूस करोगे, कुल मिला के एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और अगर एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोसेंगे, आप भगवान को कोसेंगे, और जब आप जिस एनर्जी में रहेंगे वैसा ही आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो जो ये कंपैरिजन का कीड़ा है ना, इसको ख़त्म करने की कोशिश करो बहुत ज़रूरी है। नहीं करोगे, हर वक्त हर चीज़ को लेकर के कंपैरिजन ही करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और आपको पता है कंपैरिजन स्टैंड्स फॉर द हार्ट चक्रा। अगर आपका जो हृदय चक्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कंपैरिजन की भावना बहुत आती है मन में, ठीक है। और हार्ट चक्रा से याद आया कि आने वाली जो 30th आपकी 30th ऑफ मार्च है, उसको मैं करने वाली हूँ वर्कशॉप रिलेटेड टू द हार्ट चक्रा, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर आप लोग जो है चैनल के कम्युनिटी पेज पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकती है। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू इनरोल इन द हार्ट चक्रा वर्कशॉप, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं गाइज, ठीक है, मेरी मेल आई डी के ऊपर। मेल आई डी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको मिल जाएगी बाबा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की और आपके करियर के नेक्स्ट चैप्टर की। लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं देखूं, तो अगर आपकी ज़िंदगी में हर वक्त प्यार को लेकर के नेगेटिविटी ही चलती है, कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है, लाइफ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे नहीं आ पाती, और जिस तरीके का सच्चा प्यार आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके का अगर आपको नहीं मिलता है ना,
प्रिपेयर योर सेल्फ. वी हैव अ कार्ड ऑफ चैरियट, दैट मीन्स आपका जो जिंदगी का जो पहिया है, जिंदगी की जो एनर्जी है, वो फाइनली क्लॉक वाइज जो है रोटेट होने वाली है. और इस एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आप जो है अपनी ज़िंदगी में एक ट्रू लव की एनर्जी को फील करने वाले हैं. आप में से बहुत सारे लोग की लाइफ के अंदर ना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्यार का होगा. आप लोग अपने ट्रू लव पार्टनर से मिलेंगे, उनके साथ में जिएंगे, उनके साथ में खुश होंगे. ये आपका कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है, पूर्व जन्म के कनेक्शन है जिसके साथ. और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में भी रहे हैं, बट उनके साथ आपकी कुछ खटापिटी हो गई, कुछ नेगेटिविटी हो गई, जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन वो होगा जो कि उनके घर वाले जो है शादी के लिए ढूंढ कर लाएँ. सन का कार्ड है, आई होप सो. पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर शादी हो सकता है, बच्चे हो सकता है, फैमिली बिल्ड करना हो सकता है, दो परिवारों का मिलना हो सकता है, ठीक है, प्यार हो सकता है, सच्चे प्यार की खोज हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपके दिमाग में ना पीस आए, आपके दिमाग में शांति आए और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा लकी समझें, ठीक है, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ तो नेक्स्ट चैप्टर आपके करियर में होने वाला है क्या, अगर आप लोगों की एनर्जी ऐसी रहती है ना, लाइक नाइन ऑफ वॉन्स की अगर आप लोगों की एनर्जी रहती है, हमेशा अनडिसाइडेड से रहते हैं, पैसा बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुकता नहीं है, हमेशा ना ज़िंदगी के अंदर करियर को लेकर के कोई ना कोई इशू चलता ही रहता है. और आपको अगर हमेशा ऐसा फील होता रहता है जैसे कि आप 100% दे रहे हैं बट आपको मिलता नहीं है इन रिटर्न, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, तो आप अनडिसाइडेड हो जाते हैं. आप अपने मन की व्यथा को, अपने मन के इमोशंस को किसी को कह नहीं बातें. बट फाइनली आई एम सीइंग आपके करियर के अंदर स्ट्रेंथ का कार्ड है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको कहीं से ना हेल्प मिलने वाली है. पाइल नंबर 1 पीपल, किसी तरीके की कोई ऐसी हेल्प मिलने वाली है जिस हेल्प को पा लेने के बाद आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि चलो मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आई अपने करियर को ग्रास्प करने के लिए, ठीक है. सो करियर की एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आ रही है, स्पेशली एक हेल्प के साथ. ये हेल्प किसकी हो सकती है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, घर में से किसी की हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ये कह दे कि चल सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी नहीं है, आधी मैं ले लेता हूं और आधी तुम कर लो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. या ऐसा हो सकता है कि अचानक से ना आपके करियर में आपको कोई हेल्प करने के लिए कोई एडवाइज ही कर दे कि भाई तुम ये ना करके तुम ये कर लो, ठीक है, और वो चीज़ आपके पौबारे दे दे आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा यू नो अबेंडेंस दे दे आपकी ज़िंदगी में. स्ट्रेंथ का कार्ड है विद द क्वीन ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इमोशंस का फुलफिलमेंट और स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, दैट मीन्स एक वैल्यूएबल एनर्जी आपको जो है महसूस होने वाली है. बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमें वैल्यूएबल फील नहीं होता, हमें ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं किया मैंने तो ज़िंदगी में, तो वो जो नेगेटिव चीज़ है ना आपके जहन से निकलने वाली है और आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं. आप ये सोचने वाले हैं कि ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग, मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी सही हो सकता है मेरे साथ. नाउ यहाँ पर 3 कार्ड्स गिरे हैं, आई गेस, हाँ, तीनों कार्ड्स गिरे हैं. क्रिएटर कार्ड नंबर 9 रिपनेस एंड कार्ड नंबर 9 लेजीनेस. अब यहाँ पर देखो आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो क्रिएट करोगे आप खुद, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई बहुत गंदी चीज़ हुई थी और जिसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, आपने अपनी लाइफ को जीना छोड़ दिया था, सब ख़त्म कर दिया था आपने, लेकिन फाइनली जब कोई सच्चा अच्छा आदमी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको बहुत सारा प्यार देने वाला है, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे ना, थोड़े से एकदम स्ट्रेट हो जाओगे कि अरे यार फिर से भाई साहब ये फिर से आया है, कोई रुकेगा करेगा, कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा, यार सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है, तो आप थोड़े से हेजिटेट होंगे. लेकिन आपको बोला जा रहा है किसी को कमिटमेंट मत दो लेकिन उसको परखने की कोशिश करो, ठीक है, क्रिएटर बनो, आप खुद क्रिएटर हो अपने लव और करियर के लेजीनेस और रिपनेस के लिए. अगर आप लेजीनेस में रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आप खो देंगे, ठीक है. और दूसरा है रिपनेस, अगर आप जो भी पास्ट में हुआ जैसा भी हुआ उस चीज़ को छोड़ के इस एनर्जी में रहें, इट्स ओके, होता है, ज़िंदगी है, चलता है ना, अगर इस एनर्जी में रहें तो सब बेहतर होगा.
नाउ लेट्स सी कि इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म प्रभाव आपकी ज़िंदगी में क्या पड़ेगा. पहला कार्ड है मैजिशियन, दूसरा कार्ड है द टावर और तीसरा कार्ड है द डेथ. बॉटम ऑफ द डेक अगेन स्ट्रेंथ लियो की एनर्जीज. देखिए पाइल नंबर वन पीपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में पास्ट में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हैं, करियर को लेके, मनी को लेके, पैसे को लेके, प्यार को लेके, शादी को लेके, बच्चों को लेके, फैमिलीज को लेके, बहुत टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में है जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी हो गए हैं अभी. ठीक है, तो अपनी उस एनर्जी को बाहर निकालें. आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वाली हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग्स और मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं. आपको सच्चा प्यार चाहिए, आपको वो मिल रहा है. करियर स्टेबल चाहिए, वो मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट चैप्टर पाइल नंबर वन पीपल आप लोगों की जिंदगी में होने वाला है क्या? आपकी जिंदगी में नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है जी ट्रू लव एंड स्टेबिलिटी. ये स्टेबिलिटी ना आपकी जिंदगी में कोई सी भी हो सकती है, चाहे फिर वो लव की हो, चाहे फिर वो मनी की हो. नाउ लेट्स सी कृष्णा का एक मैसेज जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो यहाँ पर कृष्णा का मैसेज है, ओ अर्जुन, ही हु ईट्स टू मच और ईट्स नॉट एट ऑल, हु स्लीप्स अ लॉट और स्लीप्स वेरी लिटिल, दिस योगा इज़ नॉट फॉर हिम. यहाँ पर कितना क्लियर मैसेज आया है कि जो बहुत ही ज़्यादा खाता है या बिल्कुल ही नहीं खाता है, या जो बहुत ही ज़्यादा सोता है या बिल्कुल ही नहीं सोता है, ठीक है, इस तरीके का जो परफॉर्म एक्शन है ना, परफॉर्मिंग एक्शन है, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है. क्यों? लिमिटलेस, हर चीज़ लिमिटलेस ख़राब होती है. आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस आई है, आप जितना लिमिटलेस एनर्जी में रहेंगे, आप लोगों के लिए जितना भी लिमिटलेस करेंगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानियों को और दिक्कतों को देखेंगे. ठीक है, तो हर काम एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ करें, हर काम एक प्रॉपर लिमिट के साथ करें. आपको अपने आप को भी देखना है, कभी भी आपने ये नहीं सोचना है कि आए हाय अब तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा. ठीक है, आपने सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, सो दैट अ ग्रैंड सिम्फनी इज़ कमिंग. और 9-9-9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और आप लोगों को पता ही है कि 9 नंबर क्या होता है. 9 नंबर स्टैंड्स फॉर द न्यू बिगनिंग्स. 9 नंबर ये भी बताता है कि जो भी फालतू की चीज़ें थी ना आपकी ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ें जिनका कोई और छोर नहीं था, फाइनली उनका अंत हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है. तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दीजिए. ए ग्रैंड सिम्फनी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, लॉट्स ऑफ हैप्पी डेज, लॉट्स ऑफ हैप्पी एनर्जीज. सो पाइल नंबर वन पीपल, अगर आप लोगों के ज़ोडियक्स लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्पाइसिस यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन थे, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आई होप आप लोगों को रेजोनेट हुई होगी. यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपने आप को हार्ट की जो वर्कशॉप है, जो हृदय चक्र की वर्कशॉप होने वाली है, उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं. आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं. अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. ढेर सारा वाला प्यार. हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर. सो आज हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट चैप्टर होने क्या वाला है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर किस चीज़ से स्ट्रांगली रिलेटेबल होगा. ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर आपका करियर से भी हो सकता है, लव से भी हो सकता है, और किसी भी अदर चीज़ से भी हो सकता है. तो अगर आप लोगों की राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर यानी एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, तो आपने जो है पाइल नंबर 2 को पिक किया है. इस कार्ड को मैंने यहाँ रख दिया सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा पता लगता रहे कि ये आपकी ही रीडिंग चल रही है यहाँ पर. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर सोच रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल कि ये ही चेक कर लूँ कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कहाँ से रिलेटेड होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर रिलेटेड चीज़ के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है. ठीक है, सो लेट मी पुल सम कार्ड्स फॉर यू गाइस. मैं यहाँ पर 4 कार्ड निकालूंगी, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर एंड लव को लेकर के. ठीक है, लेट्स सी ए डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हेल्प अस टू क्रिएट clarity in our mind. Pile number 2, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Sagittarius, Capricorn. Pile number 2 people, Aries, Taurus,
जेमिनी, कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है. पाइल नंबर टू पीपल, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न. लव की तरफ से होगा नेक्स्ट चैप्टर, करियर की तरफ से होगा नेक्स्ट चैप्टर, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लव एंड अगेन करियर. हेल्थ को लेकर के पता नहीं क्या ही सीन है, हेल्थ को लेकर के यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स और स्पिरिचुअलिटी को लेकर तो अननोन कार्ड है. दैट मीन्स कि नो हेल्थ एंड नो स्पिरिचुअलिटी एट ऑल. ओके, सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न. गाइस, जस्टिस मिलने वाला है आप लोगों को आपके प्यार में और करियर के अंदर आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है बेसिकली. अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो लव और करियर दोनों को लेकर के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी. मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हैं, समझदार हैं, और गाना वाना गाना बड़ा पसंद है, डांस वांस करना बड़ा पसंद है, या फिर ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. ठीक है, और आप हर किसी को अपने हिसाब से पटा लेते हैं. ऑल दो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन आपका ब्रेन जो है ना वो बहुत अच्छे से काम करता है, और आप हमेशा लोगों के विश फुलफिलमेंट के लिए भी काम करना पसंद करते हैं. आप एक चैरिटी करना बहुत पसंद है आप लोगों को. पाइल नंबर टू पीपल, चैरिटेबल पर्सन है कहीं ना कहीं आप. और ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर टू पीपल की आप लोगों के दिमाग में ना हमेशा एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रहती है, वो है कि जितना लोगों का भला उतना बेहतर है. यानी कि आप लोगों का जो इनर एटीट्यूड है ना वो बहुत अच्छा है, इनर पर्सोना जो है ना आपका वो बहुत अच्छा है. ओके, देखते हैं लव के क्या कार्ड आते हैं. एंड दीज आर फॉर करियर. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. तो हो सकता है पाइल नंबर टू पीपल आप लोगों की जो एनर्जी है अभी आपके पैशनेट बहुत ज़्यादा चल रही है. आपकी एनर्जीज, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, और आपके दिमाग में जो है ना बहुत ही स्ट्रांगली ये पॉइंट चल रहा है कि कुछ बहुत ही बेहतरीन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट करना है, और कुछ ऐसा बेहतरीन जो मेरी ज़िंदगी को एक बड़े पैटर्न के अंदर लेकर आए. ठीक है, पैशनेट है, जीतना चाहते हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विद द करियर. मैं सबसे पहले करियर से ही शुरू करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों की रीडिंग. सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर हमारे पास फोर ऑफ सोच का. फोर ऑफ सोच का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एनर्जी दे रहा है इंतज़ार की. हो सकता है आप अपने करियर में किसी बाह्य चीज़ का बहुत बेसब्री से काफ़ी एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जो इंतज़ार है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने पर नहीं आ रहा है. हो सकता है आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हैं जो अभी इंतज़ार कर रही हैं कुछ कुछ प्रॉपर चीज़ों का, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिनको लेकर के अभी आप श्योर नहीं हैं. लोग आपके खिलाफ ना बहुत सारी साजिशें रच रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं कि अरे इसने तो बोला था ये ऐसे करके दिखाएगा, इसने तो बोला था ये ऐसे बोल के बताएगी. ठीक है, और अब देखो जी ये क्या हो रहा है इनके साथ. तो मतलब बहुत सारे आपके आसपास रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे आसपास आपके ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करना, जली कटी एनर्जी में रहना, ऐसा बहुत ही ज़्यादा आपके साथ करते हैं. दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग विद द फोर ऑफ सोच्स. तो और उसके बाद में मैं यहाँ पर डेविल का भी कार्ड देख रही हूँ, जो कि अगेन सेम एनर्जी यहाँ पर शो करता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में कहीं ना कहीं आप हैं जो कि आपसे अपना कंपैरिजन करते हैं, आपको नज़र लगाते हैं, आपके लिए गलत गलत बोलते हैं. ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ. नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव कमिंग इन योर करियर वाला चैप्टर. ठीक है,
आपका करियर का चैप्टर खुल रहा है, आपकी लाइफ के अंदर क्या आ रहा है, आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं ऑप्शंस, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, आई एम सीइंग ऑप्शंस आर कमिंग फॉर यू. ये ऑप्शंस अच्छे भी हो सकते हैं, ये ऑप्शंस बुरे भी हो सकते हैं. नाउ इट विल डिपेंड ऑन योर एक्शंस कि आप कौन सा जो पॉइंट है या कौन सा जो ऑप्शन है वो अच्छा है आपके लिए, बुरा है, आप किसको पिक करते हो, जिसका आपको एक लंबा पैटर्न देखने को मिलेगा अपनी लॉन्ग लाइफ के अंदर. ठीक है, सो आपका जो चैप्टर है वो खुलने वाला है ऑप्शन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड. नाउ इट विल टोटली भी डिपेंड ऑन यू. जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास में इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं 2-3 जगहों से, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको पिक करते हैं. ठीक है, अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं तो आपके पास हो सकता है कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ जाए या किसी नए काम का कोई ऑफर आ जाए. अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को इतनी अहमियत देते हैं या नहीं देते हैं. ऑल ओवर अगर एनर्जी में यहाँ पे देखूँ तो सन का कार्ड है कि स्टार्टिंग में जो कुछ भी आप ऑप्शन पिक करेंगे वो आपको प्रॉफिट, हैप्पीनेस और क्रिएटिविटी ही देगा, अनटिल अनलेस आप जब तक उस चीज़ को लोगों के साथ शेयर नहीं कर देते. आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें जो है पाइल नंबर 2 पीपल शेयर करना बंद करें. ठीक है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो आपकी मैच्योरिटी से, आपके पैसे से, आपके लुक्स से, आपकी एनर्जी से जलते हैं. ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, जलते हैं, फालतू की नेगेटिव नज़र लगाते रहते हैं हमेशा. मुझे तो ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे आपके ना घर परिवार में ही ऐसे लोग हैं बहुत सारे, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं. ठीक है, जो चाहते ही नहीं है कि आपका कभी भला हो. उनको बड़ा मज़ा आता है अगर आपकी आपका सर झुक जाता है, उनको बड़ा मज़ा आता है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है तो. ठीक है, सो देयर आर सम फ्रेंड्स और सम रिलेटिव्स जो कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं है कि आपका कभी भी भला हो. तो आपको यहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें. और नेक्स्ट चैप्टर आपके करियर में होने वाला है ऑप्शंस. आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से कोई आपको अच्छा पिक कर रहा है, उस वक्त अपने दिल की बात को सुनिएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए, अगर मैं लव की एनर्जीज चेक करूं तो भाई बहुत स्ट्रगल किया है आपने लव लाइफ के अंदर. जैसे कि होता है ना कि आप हमेशा लोगों के लिए बहुत करते हैं लेकिन लोगों ने कभी आपके लिए नहीं किया है, और लोगों ने ना आपको इनफैक्ट कुछ नेगेटिव चीज़ों के अंदर और घुसा दिया है, कुछ नेगेटिव चीज़ों के अंदर और कर दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने आपकी शादी किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से करवा दी है जिसके साथ आप जीना नहीं चाहते, या फिर आपके जो घर वाले हैं वो आपकी ज़बरदस्ती कहीं और शादी करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस है क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है. स्ट्रगल कर रहे हैं कुल मिला के आप. अगर आप सिंगल भी हैं ना तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस एनर्जी में कि आपको कोई पर्टिकुलर अच्छा इंसान नहीं मिल रहा है फॉर योर लव लाइफ. बिकॉज एक उम्र के बाद ईच एंड एवरी वन नीड्स दैट काइंड ऑफ लव इन देयर लाइफ. ठीक है, उस तरीके का प्यार हर किसी को चाहिए होता है, और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो टू ऑफ वॉन्ड्स ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं. सो वट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लव लाइफ, द मैरिज. ठीक है, अगर आप लोगों की शादी हो गई है तो दैट विल बी मोर लाइक, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है फॉर द लव. तो आई मस्ट से अगर आपकी शादी किसी कार्मिक पर्सन से हुई है तो भाई आपका वहाँ से डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड लॉ को दिखाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों को दिखाता है. अगर आपकी शादी किसी अच्छे इंसान के साथ हुई है लेकिन आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, चीज़ें बहुत नेगेटिवली फ्लो कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो परेशानियाँ चल रही ना ये ख़त्म हो जाएंगी एंड यू विल फील योर सेल्फ नॉर्मल, आपका रिश्ता नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, और अगर आप टोटली सिंगल हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई है नहीं तो आपकी लाइफ के अंदर जो है शादी आ रही है किसी बहुत ही वाहिद अच्छे इंसान के साथ, और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फील करेंगे. नाउ यहाँ पर कार्ड है कंप्लीशन, इंटेंसिटी, द ट्रस्ट एंड लेजीनेस. अब यहाँ पे पता है आपके साथ दिक्कत क्या, आपके साथ दिक्कत है ये, यू गाइज आर नॉट वोकल अबाउट वट एवर यू वॉन्ट एंड वट एवर यू डोंट वॉन्ट इन योर लाइफ. आप पता है क्या है, मुंह खोल के नहीं बोलते हैं कि मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद या मेरे को ये सही नहीं लग रहा है या क्या ना. आप अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं पाइल नंबर 2 पीपल. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जिनकी भी जोडियक एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर, कि अगर आप इसी एनर्जी में रहे कि आप वोकल नहीं हो पाते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसे रहोगे चीज़ें खराब हो जाएंगी. ठीक है, नाउ फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो भरपूर ट्रस्ट और कंप्लीशन की एनर्जी के आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव कंप्लीशन आएंगे. कंप्लीशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सब सॉर्ट हो जाएगा, कंप्लीशन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप शांति की एनर्जी में आ जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दीज टू चैप्टर्स. तो ये दो चैप्टर आपके
खुल रहे हैं ना, इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके ऊपर क्या रहेगा, इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके ऊपर रहने वाला है हरमिट, कि पहले तो आप एकदम शांति हो जाएंगे, आप यही सोचेंगे कि यार ये क्या क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में और क्यों क्यों हो रहा है, मुझे इसको किस तरीके से ठीक करना है या कैसे पटरी पर लेके आनी है गाड़ी, ठीक है। उसके बाद आप जो है टेम्परेंस का कार्ड है, थोड़ा सा बैलेंस होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन दिनों जब आपके साथ ये सारे की सारी चीज़ें हो रही हों, तब आप जो है ना किस एनर्जी में हो मालूम है, इस एनर्जी में हो आप कि थोड़ा सा भगवान की तरफ ज़्यादा है, थोड़े से यू नो मंदिर वगैरह की तरफ ज़्यादा है ना, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हो रहा है, कोई ना कोई मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, डेली मेडिटेशन कर रहे हैं एक्सेट्रा, ऐसी एनर्जी में जा सकते हैं। एंड विद द कार्ड ऑफ हेरोफेंट कहीं ना कहीं आप एक पावरफुल एनर्जी में होंगे, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इट्स ओके, आई कैन डू वट एवर माई यू नो माई सोल सेज टू मी, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी पाइल नंबर टू पीपल। सो नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ विल बी मनी एंड लव को लेकर के। यहां पर आप लोगों के लिए एडवाइजेस है, द योगी हु एक्ट सेल्फलेसली ऑल्सो गिव अप ऑल अटैचमेंट्स ऑफ माइंड इंटेलेक्ट एंड बॉडी एंड वर्क फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ हिज इनर सेल्फ। जो एक प्रॉपर योगी होता है ना, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आया है गाइस फ्रॉम द कृष्णा, जो प्रॉपर योगी होते हैं ना वो पता है किस तरीके की एनर्जी में रहते हैं, वो हमेशा ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि वो ना चीज़ों से अटैच नहीं होते हैं, वो कोडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक न्यूट्रल फेज होता है कि अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, मतलब एक स्ट्रांग एक्साइटमेंट नहीं होता। और जो इंसान न्यूट्रल रहता है ना वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसका जो माइंड है वो एक प्योरिफिकेशन के लिए काम करते हैं फॉर द इनर सेल्फ। तो उस एनर्जी को समझने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को ना अपने हिसाब से चलाने की एनर्जी में आए। नाउ वन मैसेज फ्रॉम हेयर फॉर यू गाइस, अवेकन जीनियस कार्ड नंबर 29, 9, 10, 11, 11 नंबर स्टैंड्स फॉर द मास्टर नंबर, ठीक है। अवेकनिंग जीनियस का कार्ड है, जितना हो सके उतना अपने एंसेस्टर्स से जुड़िए। आप लोगों को एक रेमेडी भी बोलूँगी कि आप अपने एंसेस्टर्स अपने पुरखों के नाम पे ना अपने घर से कम 2-3 किलोमीटर दूर नीम के पेड़ या फिर बैनियान ट्री या फिर आम के ट्री या अशोक के पेड़ लगाने की कोशिश करें, क्योंकि अवेकनिंग जीनियस का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर जो है एंसेस्ट्रल कर्स हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होते होते रह जाती हैं। सो डू दिस थिंग, ओके। सो पाइल नंबर टू पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा। एंड येस, बहुत जल्दी मैं जो है हार्ट वर्कशॉप करने वाली हूँ हार्ट चक्रा के ऊपर, तो आप लोग उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं पहले से ही, ताकि आपकी जो है सीट्स रिजर्व हो जाए। मैं ये करने वाली हूँ इन द एंड ऑफ दिस मार्च मंथ, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं बाय मेल मी और माय मेल आईडी। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा वाला प्यार और ढेर सारी वाली एनर्जीज।